अब चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए, डर के मारे रथ नहीं चला पा रहा है रावण। रावण से सभी डरते, वह रावण डर रहा है। कुमार का अनुसरण करने वाले की यही दशा होती है, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, तन में तेजस्विता नहीं रहती, बुद्धि बल कुछ भी नहीं बचता, इसलिए डर रहा है। भय रथ हाँक न जाए, और श्री सीता जी धरि धीरज गाढ़ा। श्री जानकी जी ने कहा, हा जग एक वीर रघुराया, आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, राम राम राम। उस वन प्रांत में अनेक सुनने वाले, लेकिन श्री सीता जी का करुण क्रंदन सुनकर कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा, कोई भी। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हम भी धर्म का काम बिना धक्का लगे नहीं करते, पीछे से धक्का लगे चलो यह भी अच्छा है, किसी का धक्का लगने से ही कोई धर्म का पालन करे। पुराने समय की बात है, एक बार हम एम्बेसडर कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, वो चलती चलती रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि महाराज उतरो, हमने कहा क्यों, कहा अब धक्का लगेगा। धक्का लगेगा तो हम उतर गए, उन लोगों ने धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, बस चल दिए। तो हमको लगा कि ये युक्ति तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बार एम्बेसडर में बैठे थे, वो फिर रुक गई, तो हमने कहा चलो उतर कर धक्का लगाते हैं। ड्राइवर बोला कुछ नहीं होगा धक्का लगाने से। हमने कहा क्यों, बोली इसकी बैटरी में जान ही नहीं है कि धक्का लगने से स्टार्ट हो जाए। तो हम लोगों की बुद्धि रूपी बैटरी में जान ही नहीं बची है कि धक्का से भी स्टार्ट हो जाए। धक्का से भी कोई धर्म के काम में लग जाए तो अच्छा। एक भी नहीं आया श्री सीता जी की रक्षा करने के लिए, एक भी नहीं। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। सुनकर करुणा क्रंदन माता, सुनकर करुणा क्रंदन माता, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, 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 क्यों नहीं कोई भी आते। कर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, कोई नहीं आ रहा है। अच्छा आप सोचो, जिन पर रक्षा का भार था वे भी तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब प्रभु ढिंग सौ मित्र गए थे, दिशि देवों को सौंप गए थे, वन दिशि देव सौंपी सबका हो, तो जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते।
पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, जिन पर रक्षा का भार था वे भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। दिशा के देवता नहीं आए, वन के देवता नहीं आए, प्रभु ने वास किया था जब से, प्रभु ने वास किया था जब से, विगत त्रास मुनि हुए थे तब से, जिनका त्रास हरा वे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। सुनकर करुणा क्रंदन माँ का बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। देखो ऋषि मुनि कंदराओं में बैठे रहे, रक्षा भार जिन पर था वे भी नहीं आए, एक आया हो श्री जानकी जी की रक्षा के लिए कोई नहीं आया, न ऋषि मुनि और न ये देवता। कारण क्या है, क्यों नहीं आए? उत्तर केवल एक है, सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, नहीं कोई भी आते, आते कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। मुर्दे का स्वांग सरल है, मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। नाटक में तो लोग मरते ही रहते, एक बार एक व्यक्ति इतना सुंदर अभिनय करके मरा, दर्शक देख रहे थे, वो प्रत्येक दृश्य के लिए कहते थे वंस मोर, लेकिन जैसे ही वो मरा तो लोगों ने तालियां बजाई, बोले वाह 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 वंस मोर, तो फिर उठकर खड़ा हो गया, फिर मरने लगा। तब मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। धर्म का ज्ञान होना अलग बात है, पर धर्म का जीवन में उतरना अलग बात है। राग ताल का ज्ञान होना अलग बात है, पर राग ताल का अभ्यास होना अलग बात है। एक आदमी एक पद गा रहा था और बार बार कहे कि ये माल कोस है, उसमें न माल था न कोस, और वो कहे माल कोस है, तो किसी ने कहा कैसे ये मालकोस, कहा कि लिखी हुई बात मानोगे, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी की भजन माला उठा लाया, उस पद के ऊपर लिखा था राग मालकोस, वही पद वो गा रहा था, बोले बस पद माने मालकोस, चाहे जैसे। तो उसका ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका निर्वाह होना चाहिए। धर्म का ज्ञान तो है, पर धर्म जीवन में उतर जाए, जवान की चीज जीवन में आ जाए, दिमाग की चीज दिल में आ जाए, जीवन तब धार्मिक होता है। एक ही धार्मिक व्यक्ति निकला, गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सोने आ रे बाने गीत।
सीता जी की आर्तवाणी सुनी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। यह रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम जी की प्रिया है, पहचान लिया। क्योंकि श्री जानकी जी बार बार श्री राम स्मरण कर रही। जटायु जी को लगा, अब देखो धर्मात्मा कौन, रावण चार वेद छह शास्त्र का पंडित है, ज्ञाता है, और जटायु जी गीध अधम खग आमिख भोगी, पर धर्मात्मा कौन है, दशग्रीव अपहरण कर रहा है, और जटायु जी श्री सीता माता की सेवा में जा रहे हैं, रक्षा करने जा रहे हैं। तो कौन है भाई जो श्री सीता जी की रक्षा करने जाए, वह धर्मात्मा है कि जो हरण करे वह धर्मात्मा है। मुझे लगता है कि जटायु जी धर्मात्मा है। कौन से धर्म का पालन करने जा रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है औरों के लिए जो मरे, जो परमार्थ कर सके, परहित कर सके, यह धर्म है। पर परोपकार भी ऐसा नहीं, एक गुरुजी के तीन शिष्य, गुरुजी ने तीनों से कहा कि बेटा कुछ ना कुछ परोपकार का काम किया करो, तीनों बोले गुरुजी अवश्य करेंगे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी रोगी की सहायता दीन दुखी की सहायता यही सब परोपकार है, तीनों बोले गुरुजी करेंगे। दूसरे दिन एक परोपकार का काम किया, लौट कर आए, तीनों से गुरुजी ने पूछा क्या परोपकार का काम किया, एक बोला कि गुरुजी एक बुढ़िया बहुत कमजोर थी हमने उसे सड़क पार कराई, गुरुजी बोले अच्छा किया, दूसरे से पूछा तुमने, दूसरा बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो गुरुजी सोचने लगे सामान आदि रहा होगा, तीसरे से पूछा तुमने, तीसरा बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने कहा कि तीन की जरूरत क्यों पड़ी, उसे पार कराने के लिए तीन की जरूरत क्यों पड़ी। तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी, उसे सड़क पार नहीं करना था, फिर तुमने सड़क पार क्यों कराई, कहा कि हमें परोपकार करना था, हमें परोपकार करना था इसलिए हमने सड़क पार कराई। गुरुजी ने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा कि वो गालियां भी देती रही, तो गालियां देने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि गालियां क्यों दे रही। गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो सहन करना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है। अग्नि जहां प्रज्वलित हो वहां आहुति देने का आनंद है, देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार परमार्थ करना। जटायु जी ने देखा कि सब चुप हैं, अच्छा चुप होने का कारण भी है रावण जैसा दुर्जय अजय शत्रु। अच्छा देखो अत्याचार करने वाला जब बड़ा बलवान होता है तो धर्मात्मा लोग उससे वो कह नहीं पाते हैं जो कह देना चाहिए,
कह नहीं पाते, उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं जो कर देना चाहिए। पर जटायु जी इसके अपवाद हैं। जटायु जी ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, रे रे दुष्ट ठाण किनो हो ही। और यही कहा, सीते पुत्र करस जनि त्रासा, पुत्री सीता चिंता मत करो, करी हूं जातु धान कर नासा, राक्षसों का विनाश कर दूंगा, इस राक्षस को मिटा दूंगा। हे पुत्री सीता चिंता मत करो, श्री जानकी जी के प्रति पुत्री की भाषा और रावण के लिए रे रे दुष्ट, अरे दुष्ट खड़ा रहे मुझे नहीं जानता। रावण ने भी जो सुना, पहली बार सुना कि मुझे कोई दुष्ट कह रहा है, घबरा कर देखा कौन है। आवत देखी कृतांत समाना, आवत समाना, आवत देखी कृतांत समाना, आवत देखी कृतांत। फिर रज गंदर कर अनुमान, खगपति होनी मम बल जान सहस्रपति धो, समाना आवत देखि प्रतांत, समाना आवत देखि प्रतांत, समाना आवत देख प्रतांत, कृतांत। कृतांत का अर्थ है कृत का अंत कर देने वाला। काल, काल की तरह जटायु जी को आते हुए देखकर रावण अनुमान लगाता है, या तो ये मैनाक है या फिर खगपति। गरुड़ जी हैं और मेरा बल जानकर भगवान विष्णु के साथ आए हैं, लेकिन जटायु जी पास पहुंच गए। जटायु जी ने रावण से ये नहीं कहा कि आदरणीय रावण जी खड़े रहिए, या श्रीमान जी दशानन जी, या पूजनीय रावण जी, ना? वही कहा जो एक चोर से कहना, अरे दुष्ट खड़ा रहे मुझे नहीं जानता। रावण भी चौंक कर उन्हें गरुड़ जी के भगवान विष्णु के मैनाक पर्वत के रूप में देखता है, लेकिन जटायु जी पास पहुंचे तो जाना जरठ जटायु एहा, ये तो वृद्ध जटायु है। मम कर तीर्थ छांड सी देहा, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ने आया है। अच्छा, जटायु जी ने केवल कहा ही नहीं, किया भी वही। ऐसा नहीं कि कह तो दिया, पास जाके समझौता कर लिया कि वो तो चार लोगों को देखकर कह दिया था, बुरा मत मानना, पर आप जो कर रहे हैं इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। जटायु जी ने वही किया जो करना चाहिए। आजकल हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, करें तो क्या करें, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं। जटायु जी के पास क्या साधन है? एक ओर तो लंका का साम्राज्य जिसका मालिक हो, दूसरी तरफ चारों तरफ उसका राज्य, और हर तरह के बल से वो भरपूर है। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जित गर्भ स्रवणी सुर रवनी, भुज विक्रम जान ही दिखपाला, ऐसा बलवान रावण, और जटायु जी के पास कुछ नहीं। पर जटायु जी ने कहा कोई बात नहीं, कैसे सन्मुख हुए जटायु, जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था।
कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। जटायु जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी चोंच तो है, चोंचन मारी बिदार सी देही, चोंच चलाई। इतना बढ़िया शस्त्र है, न तलवार की तरह म्यान से निकालना पड़े, न धनुष की तरह बाण चढ़ाना पड़े, वो तो तैयार हमेशा, वो ऐसी ऐसे तो करना, बचाए कहां कहां रावण। चोचन मारी बिदारेसी देही, दंड एक भई नूर जा ते, एक चंचु का प्रहार करके ऐसा देह को विदीर्ण कर दिया कि एक क्षण के लिए ही सही रावण मूर्छित हो गया। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, जिनका चरित्र है उज्ज्वल उन्हीं की जीत होती है। अच्छा आप सोचो, रावण जब तक मूर्छित था, जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 200 आंखों का सफाया कर सकते थे कि नहीं? मूर्छित ऐसे ऐसे चलानी तो आंखें सब साफ, और रावण को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो रावण करता क्या? पर जटायु जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? जटायु जी ने कहा कि मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, भारत धर्म प्रधान राष्ट्र है, यहां युद्ध का भी धर्म है, सोए हुए पर, मूर्छित पर, पीठ दिखाकर भागने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए, धर्म चला जाएगा, युद्ध का भी धर्म है। इतना धर्म का विचार करोगे तो रावण जाग जाएगा, फिर प्राण बचाने मुश्किल होंगे। जटायु जी ने कहा कि अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है, हार भी धर्म सम्मत हो तो संतोष होता है। जब रावण की मूर्छा दूर हुई, तब सक्रोध निसिचर खिसियाना, तब सक्रोध निसिचर खिसियाना, तब सक्रोध दूर हुई। काले से परम कराल कृपाना, कृपाण तलवार नहीं, तलवार और कृपाण में अंतर है। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम है कृपा। न इधर कृपा न उधर कृपा, इधर भी धार उधर भी धार। काटे से पंख, जटायु जी के पंख काट दिए, पराखग धरनी। पंख कटने पर जटायु जी धरती पर गिरे तो याद किसकी कर रहे? सुमिरि राम करे अद्भुत करनी, कर करनी। पंख कट गए कोई बात नहीं, सूर किशोर कृपाते सब बल
हरे को हरि नाम सुने री मैंने निर्बल के बल राम सुने री मैंने निर्बल के बल सुने रे सुमिन राम पृथ्वी पर गिरे तो राम 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 सफलता मिले तो हरि कृपा सफलता न मिले तो हरि इच्छा पृथ्वी पर गिर गए रावण श्री सीता जी को लेकर चला गया तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराए अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में श्री सीता जी को आवास दिया रावण ने।